फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तिल और गुड़ से बनने वाली मजेदार लड्डू की रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप ये घर पर कैसे बनाएं, इसके लिए मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी इस वीडियो में शेयर किए हैं, तो आप बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिए और मजेदार लड्डू बनाकर तैयार कीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तिल और गुड़ से बनने वाले इस लड्डू को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप ये तिल। तो मैंने यहाँ पे ये सफेद वाले तिल लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें से थोड़े से हल्की से डार्क कलर के जो तिल आते हैं उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो ग्राम्स में देखिए तो ये 200 ग्राम है। साथ ही मैंने यहाँ पे 200 ग्राम ही गुड़ ले लिया है, तो ये भी 1 कप है। अगर ग्राम्स में देखिए तो 200 ग्राम है, तो जितने आपने तिल लिए हैं उतनी ही क्वांटिटी में आपको गुड़ लेना है। गुड़ को मैंने इस तरीके से बारीक सा कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट कर भी यूज कर सकते हैं या फिर पाउडर गुड़ का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी के साथ हमें चाहिए होगा 1 छोटी चम्मच के जितना यहाँ पर देसी घी। आप चाहें तो अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आधी छोटी चम्मच आप इलायची भी इसमें यूज कर सकते हो, इलायची का पाउडर आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पे तिल को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। गैस पर मैंने यहाँ पे एक पैन रख दिया है। हमें पैन में कुछ भी नहीं डालना है, हमें तिल को यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया से ड्राई रोस्ट करना है। तो गैस को बिल्कुल ही आप यहाँ पे लो फ्लेम पे रखें और लो फ्लेम पे हमें लगभग 3 से 4 मिनट के लिए इस तरीके से लगातार से चलाते हुए यहाँ पे तिल को भूनना है। तो यहाँ पे जो तिल है उनका आपको कलर बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा जो तिल का कलर है वो चेंज हो और ये चटकने लग जाए और बढ़िया से फूल जाए उतना ही हम इसे यहाँ पे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो आप कंटिन्यूसली इस तरीके से इसे चलाते रहें। खास बात का आप ध्यान रखें कि इसे लो फ्लेम पे ही आपको ड्राई रोस्ट करना है और इस तरीके से जब आप लड्डू बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हल्का सा कलर यहाँ पे तिल का चेंज हो गया है और बढ़िया से ये चटक गए हैं और बढ़िया से फूल गए हैं। तो ये तिल हमारे तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख देंगे और सेम पैन में हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच घी जो हमने लिया था। इसी के साथ हमने ये जो गुड़ लिया है 1 कप यानी कि 200 ग्राम, ये गुड़ भी हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे अभी हमें गैस को बिल्कुल लो रखना है और इसे हम लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे और गुड़ को बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होने देंगे और गुड़ की चाशनी बनाएंगे। तो गुड़ की जो चाशनी होती है वो कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। तो आप इसे बिल्कुल भी ना छोड़ें और कंटिन्यूअसली से इस तरीके से चलाते रहें और गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने दें। तो आप देख सकते हैं गुड़ यहाँ पर काफी अच्छे से मेल्ट, गुड़ की जो चाशनी होती है वो चीनी की चाशनी से बहुत ही ज्यादा जल्दी बनकर तैयार होती है। तो आप इसे बिल्कुल भी ना छोड़ें, इस तरीके से आप इसे लगातार चलाते रहें और खास ध्यान रखें कि इसे लो फ्लेम पर ही पकाएं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इसमें थोड़े से इस तरीके से बबल्स बनने लग गए हैं। जब आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनती है तभी आपके लड्डू हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर आते हैं। तो आप ध्यान रखें और आप देख सकते हैं इस टाइम पे हल्का सा चाशनी में झाग बनने लग गया है और बबल्स उठ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इसमें हम ये चाशनी को चेक करेंगे। तो अगर आप देखें तो ये जो चाशनी है यानी गुड़ वाली जो चाशनी है वो इस टाइम पे बहुत ही हाथों में चिपक रही है, बहुत ही ज्यादा एकदम रबड़ के जैसे स्ट्रेच हो रहा है और बहुत ज्यादा चिपक रहा है, इसका एक गोला यानी कि बॉल जैसा नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब हमें चाशनी को थोड़ी देर और पकाना है, थोड़ी देर मतलब कुछ ही सेकेंड्स में हमारी ये चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छे से आप इसे लगातार मिक्स करें और 20 से 30 सेकंड्स के लिए हम चाशनी को और पका देंगे। तो आप देखेंगे कि पहले से इसमें अभी झाग बढ़ने लग गया है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम इसे चलाते हुए पकाएंगे और वापस से हम यहाँ पर चाशनी को चेक कर लेंगे। मैंने 20 सेकंड्स के लिए इसे और पका लिया है, तो चलिए हम चाशनी को एक बार और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हल्का सा इसका बॉल जैसे बन रहा है, लेकिन अभी ये बहुत सॉफ्ट है बिल्कुल, लेकिन हाथों में ये बहुत ज्यादा इस टाइम पे चिपक नहीं रहा है जैसे पहले वाला बहुत ज्यादा चिपक रहा था। तो बस यहाँ पे 10 से 15 सेकंड के लिए हम चाशनी को और पका लेंगे। ऑलमोस्ट हमारी चाशनी यहाँ पर बनकर तैयार है, काफी अच्छे से इसमें झाग भी आप देख सकते हैं बनने लग गया है। तो इस तरीके से वापस से हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। अगर अभी आप देखें तो हाथों में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है और एकदम बॉल जैसे इसका ये बन रहा है, बहुत ही अच्छे से इसमें आप देख सकते हैं माइनिंग आ रही है और बिल्कुल तैयार है हमारी चाशनी, बिल्कुल भी हाथों पे ये नहीं चिपक रहा है। तो ये परफेक्ट टाइम है कि हमारी ये चाशनी बिल्कुल बनकर हो गई है तैयारी, बिल्कुल बॉल जैसे बन गया और पानी में बिल्कुल ये घुल नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे से इसमें झाग भी बन गई है, तो ये भी एक साइन है कि आपकी चाशनी बिल्कुल अच्छे से तैयार है। तो बस अब हम यहाँ पे इसमें ये तिल जो है वो डाल देंगे
और हमें यहाँ पे गैस को कर देना है अभी बंद। तो इसे हमें और नहीं पकाना है, गैस को आप बंद कर दें और तिल डालने के बाद बिल्कुल आपको हाथ को थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना है और इसे जल्दी से आपको इसे मिक्स करना है, क्योंकि ये चाशनी बहुत ही जल्दी से जमने लगती है। तो हमें इसे बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं बढ़िया से मैंने सारी चीज को मिक्स कर लिया है। मिक्सर को अब मैंने नीचे उतार लिया है और लड्डू बनाने के लिए हमारा मिक्सर पूरी तरह से तैयार है। तो गरम गरम मिक्सर से ही आपको लड्डू बनाने हैं। अगर ये मिक्सर ठंडा हो गया तो बिल्कुल भी इसके लड्डू नहीं बनेंगे और ये जम जाएगा। तो लड्डू बनाने के पहले अपने हाथों पे आप थोड़ा सा पानी लगा लें, अपने हाथ को इस तरीके से गीला कर लें क्योंकि मिक्सर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म है। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेकर दोनों हाथों में इसे इस तरीके से करते हुए आप इसके लड्डू बना लें। छोटे या बड़ी साइज़ के लड्डू आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। तो इस तरीके से लड्डू बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। आप चाहें तो अपने घर में किसी भी फैमिली मेम्बर की हेल्प ले सकते हैं इस लड्डू को बनाने के लिए, क्योंकि इस मिक्सर में से आपको गर्म गर्म मिक्सर से ही लड्डू बना के तैयार करने हैं। ठंडा मिक्सर होने के बाद लड्डू बिल्कुल अच्छे से इसे बन नहीं पाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें और ये बढ़िया से इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार करें। हल्का सा अपने हाथों को थोड़ा गीला कर लें और फिर ये लड्डू बनाकर तैयार करें। तो ये लास्ट वाला जो मिक्सर है थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो इसे हमें बिल्कुल अच्छे से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए हमें इसका लड्डू बनाकर तैयार करना है। तो इसकी थोड़ी सी शेप ठीक नहीं आएगी पर लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं लड्डू बनकर हमारा तैयार हो गया है लास्ट वाला भी। तो यहाँ पर ये सारे बहुत ही मज़ेदार से हमारे टेस्टी से तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू तैयार हैं। तो इस तरीके से अगर आप परफेक्ट तरीके से चाशनी बनाते हैं तो आपके लड्डू भी परफेक्ट बनते हैं। अगर आप कम पकाते हैं चाशनी को तो लड्डू आपके चिपचिपे हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपचिपे लड्डू नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बनकर हमारे लड्डू तैयार हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चाशनी को कुक कर देते हैं तो आपके लड्डू हार्ड हो जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी तो हमारे लड्डू भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही बढ़िया है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है लड्डू और ना ही ये चिपचिपे हैं, बहुत ही आसानी से ये टूट रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं इस तरीके से अगर आप लड्डू को बनाते हैं। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ज़रूर से आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट ज़रूर से करके बताइए कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारी रेसिपी को ट्राई करते हैं तो इसके जो फोटोज़ हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।